हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? होपफुली यू ऑल वेल, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज जो है ना आपका भाई अपनी फेवरेट फिल्म देखने जा रहा है, स्पाइडरमैन नो वे होम। आई थिंक वी ऑल बीन वेटिंग फॉर, बता नहीं सकता आपको मैं कितना एक्साइटेड हूँ। आज सारी फैन थ्योरीज जो है ना वो सामने आ जाएंगी कि सही है कि नहीं है। दो दिन से जो है ना स्पॉयलर्स जो है ना मैं वो देखने में फुल मेरी कोशिश है कि किसी तरह मैं इनको अवॉइड करूं। भाई 15 दिन पहले ही जो है ना मैं टिकट्स लेके आ गया था इससे पहले कि भाई सारा जो है ना वो सोल्ड आउट हो जाए, क्योंकि क्रेज़ जो है ना स्पाइडरमैन का भाई, और जो इसके बारे में जो चीमा गोइयां हुई हुई है ना इस मूवी के बारे में, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर हो गया इस मूवी के अंदर पागल हो जाऊंगा भाई मैं तो सिनेमा के अंदर। अब देखना यह है कि टॉम हॉलैंड के अलावा क्या इस मूवी में टोबी मैगवायर है, क्या इसमें एंड्रयू गारफील्ड है। टोबी मैगवायर बाय द वे माय फेवरेट स्पाइडरमैन भाई, वो उससे अच्छा पीटर पार्कर आई थिंक कोई भी नहीं है। अच्छा, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ लाइक अ व्लॉग, इसलिए व्लॉग ही एक तरह का, मगर मैं बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है ना आपके लिए एंड में एक रिव्यू बनाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, उतनी अच्छी है कि नहीं है। स्पॉयलर फ्री रिव्यू होगा, कोशिश मेरी होगी आप लोगों को भी स्पॉयलर ना दूँ या देना चाहिए मेरे ख्याल से स्पॉयलर। बाय द वे मैं कराची का फर्स्ट शो देख रहा हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। होपफुली बहुत सारे लोग आएँ, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे तभी जो है ना फिल्म देखने में इस तरह की मज़ा आता है। खैर, टाइम टू गेट रेडी, तैयार होते हैं और सिनेमा भागते हैं इससे पहले कोई मूवी मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं आपसे मूवी देखने के बाद। जो भाई आपका भाई लेट है थोड़ा सा, 3:15 पे ऑलमोस्ट 3 बज गए, तो निकलते हैं भाई इससे पहले के कोई दूसरा मसला हो जाए। क्या करें, पहले खाएं या कल से मूवी देख लेते हैं पहले? ऐसे अगर हम चाहें मैं खा सकता हूँ खाना ऐसे, क्योंकि अभी 52 है, स्टिल हैव सम टाइम, लेट्स गो टू मैकडॉनल्ड्स फर्स्ट। भाई मैकडॉनल्ड्स पहुँच गए, खाना शाना ऑर्डर करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई मैकडॉनल्ड्स तो नहीं मिला, सालों ने डेबिट कार्ड ही नहीं चल रहा उनके पास, अजीब है। मैट्रिक्स रेजिडेंट ईविल। तो ये रहा आज का तड़का स्पाइडरमैन नो वे होम। आई थिंक बड़े अरसे बाद मैंने इतना रश देखा है यहाँ पे, सब मेरे ख्याल स्पाइडरमैन देखने आए। मैं स्पाइडरमैन एवरीवेयर, लगता है बहुत मज़ा आएगा इस मूवी देखते हुए, बहुत रश हुआ होगा भाई। So guys, मैं अभी जो है वो स्पाइडरमैन देख के I'm just surprised that this movie actually exists. Even in my wildest dreams, मैंने ये नहीं सोचा था कि मार्वल और सोनी मिलके ये फिल्म बना लेंगे। आई मीन लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि दिस मूवी इज अ फैन सर्विस, बट आई मीन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इस मूवी से, इट्स एवरीथिंग एंड मोर। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा आपको ये फिल्म जो है ना आप देखोगे तो आई मीन लिटरली देयर वर मोमेंट्स इन द मूवी। और फर्स्ट ऑफ ऑल टॉम हॉलैंड क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है इसने इस मूवी में, ही इज़ अ प्रॉपर स्पाइडरमैन इन दिस मूवी एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज। मुझे ये लग रहा था कि इतना अच्छा स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर सकता है। आई मीन आई लाइक द फर्स्ट टू मूवीज, मगर आई थिंक मार्वल जो मार्वल स्पाइडरमैन मूवीज जो है उसकी बेस्ट मूवी है ये, और हैंड्स डाउन टॉप 3 स्पाइडरमैन मूवीज में आती है। आपने जो कुछ सोचा है ना कि इस फिल्म में है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आप यार आप लोग, मैं कह रहा हूँ आप लोग उठो और भागो और जाके मूवी देख के आओ। मैं ऑनेस्टली मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत ही पत्थर दिल इंसान हूँ, मगर मुझे लिटरली रोना नहीं आता। एंड देयर वर मोमेंट्स इन दिस व्हाइल वॉचिंग दिस मूवी आई वाज लाइक इज दिस रियली हैपनिंग, मतलब। और मैं फिर अपने इधर उधर देख रहा था एंड देन यू नो क्योंकि इतनी इमोशनल सीन है इस मूवी के अंदर, एक आंसू जा रहा था मेरे हाथ से। मैंने इधर उधर देखा भाई बॉयज रो रहे हैं भाई, सारे मुंह साफ कर रहा है, एक आंसू पोंछ रहा है अपने, मतलब बहुत अच्छी मूवी है यार। स्पॉइलर अलर्ट का एक वो लगा दूंगा, मगर मैंने इसमें स्पॉइलर आप लोग के लिए एक क्लिप ज़रूर छोड़ना है, तो आप लोग देखेंगे वो ज़रूर। और यार ये मूवी मैं पता नहीं कितनी दफ़ा देखनी है, मैंने दो तीन दफ़ा और देखूंगा मैं जाकर, क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा था कि भाई ये सब हो रहा है इस मूवी के अंदर। आई लिटरली टॉम हॉलैंड एंड एवरीवन एंड आई मीन एवरीवन, ऑल द विलियंस, विलियम डेफो और
जो डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस है बहुत अच्छी एक्टिंग है, हर विलन की बहुत अच्छी एक्टिंग है इसके अंदर, सबको स्कोप दिया है उन्होंने, सबको मार्जिन दिया है इस फिल्म में परफॉर्म करने के लिए। एंड यार आप लोग देखो, आप लोग भागो यार जाके फिल्म देखो, ये बहुत मज़ा आएगा। मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवीज। मगर मैं ये बोलूँगा कि जब वो सीन आएगा ना, ये सीन का अच्छा छोड़ो जब वो सीन आएगा तो आप लोग भाई, वो जो एटमॉस्फेयर था ना, ऐसा लग रहा था मैं पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। यार ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज कि इन्होंने 2 घंटा 30 मिनट की फिल्म के अंदर ये सब डाल कैसे लिया है, क्योंकि अक्सर इस तरह की फिल्मों में इतने सारे विलन्स डाल लो, इतने सारे मतलब मैन डाल लो तो फिल्म का खिचपिच बन जाता है, मगर एक फिल्म कहीं से भी खिचपिच नहीं लगी। और मुझे मेरा तो दिल चाह रहा था कि 2 घंटे और लंबी हो फिल्म, इतना मुझे मज़ा आ रहा था ये फिल्म देख के। और मतलब एक्शन इतना अच्छा है इस फिल्म के अंदर, मतलब जो टॉम हॉलैंड ने जो उसमें स्टंट्स किए हैं या जो भी जिसने भी, बहुत मज़ा आ रहा था यार मुझे देख के। बीट अगेन ग्रीन गॉब्लिन या वो जो दूसरा कैरेक्टर है ऑक्टो ऑक्टेवियस, यार इतना मज़ा आ रहा था यार मुझे देख के। मगर मैं ये सजेस्ट करूँगा ये फिल्म 2D में देखें, 3D में नहीं देखें, पाकिस्तान में 3D इतना अच्छा नहीं है, 2D में देखेंगे ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। जेमी फॉक्स का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा उसको कैरेक्टर आर्क उसका बड़ा अच्छा है इस मूवी के अंदर, और आई थिंक फ़नी भी है, फ़नी ऑब्वियसली जैसे हर मार्वल की मूवी फ़नी होती है, ये मूवी बहुत फ़नी है और आपको बहुत मज़ा आएगा। आई मीन बस जाओ यार देखो जाके फिल्म, आई मीन और जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं इसके अंदर, मार्वल की जितनी फ्यूचर मूवीज है उसका पूरा एक सेटअप है, सेकंड क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट सीन में, फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में आप आई थिंक काइंड ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं इट इन्वॉल्व अनदर कैरेक्टर फ्रॉम सोनी, बहुत एंटरटेन होंगे, इमोशनल भी होंगे। और लोग तो चीखे मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मतलब जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, बाबर आजम ने कोई सेंचुरी बना दी, इतना खुश हुए थे, इतना बहुत मज़ा आ रहा था यार। खैर मैं ज़्यादा इस रिव्यू को लंबा नहीं करूँगा, आप जाके खुद मूवी देखें और ज़्यादा आप एंटरटेन होंगे। और अब है स्पॉइलर अलर्ट, अब मैं जो क्लिप डालूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मूवी स्पॉइल ना हो तो ये क्लिप आपने जो इसके बाद आएगा वो आपने नहीं देखना है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक गुड केयर फॉर सेल्फ एंड खुदा हाफिज़। Spider-Man 2.